मारियां के नौजवानों का, मारियां सड़क की नाकस तामीर और ठेकेदार का सड़क अधूरी छोड़कर भाग जाने के खिलाफ एहतजाज। नौजवान शदीद नाराबाजी करते हुए शहीद चौक से PWD ऑफिस पहुंच गए। मेरे सजदों की गवाही, मैं चुपके अंधेरों में इबादत नहीं करता, मैं भूला नहीं अदा बेजवानी, मैं औरों को ऐसी नसीहत नहीं करता। दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कोई का दिल जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। हम सब मारे से आए हैं, हमने उस रोड पे जो है ना जनाजे उठाए हैं। ठेकेदार के काम के दौरान उसने इस कदर जो है ना पूरे गांव को डिस्टर्ब किया कि हमने पनाग से लेकर मारे तक, आप गए हैं, आपने हालत भी देखी है, हमने पनाग से जनाजे उठाकर मारे। एक पॉइंट अगर कोई मरीज, हम अकामे वाला से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मुतालबा हल किया जाए। ठेकेदार साहब गायब हैं, जब उनको कॉल की जाए तो कहते हैं कि जो आपने कर रहा है करें, हम नहीं काम करते और ना ही हम करना चाहते हैं। ओके, हमारी रोड जो है ठेकेदार साहब ने क्या किया है कि इसको बस यानी समझो टरका दिया, हमें इस पर हमें नाकस काम किया है। आगे से रोड बढ़ गई है, पिछला खराब हो गई है, से पनाग रोड तक है जो एक साल पहले उसका ठेका हुआ था, जो फारूक सिकंदर साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें 1 किलोमीटर रोड दी जो इंतहाई मुश्किल थी। वहाँ पहले हादसे हुआ करते थे, 4-5 बंदे हमारे शहीद हो चुके थे और आए रोज़ वहाँ से गाड़ियाँ ब्रेक फेल होती है और इंतहाई खड्डे थे, मुश्किल थी। उन्होंने 1 किलोमीटर रोड दी जो एक साल पहले ठेकेदार साहब ने शुरू की। एक साल तक हम लोग अपने जनाजे कंधों पर उठाते हैं, मरीज़ हम अस्पतालों तक नहीं पहुँचा सकते और रास्ते में दम तोड़ जाते हैं और वहाँ आज यह सूरत हाल है कि जनाब कोई नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं जा सकती और हम लोग इंतहाई मुश्किल में हमारे जो आए रोज कोई ना कोई हादसा होते रहते हैं। वो जो हमने पेनाफ्लेक्स पकड़ा हुआ है, ये 2014 का ये एक्सीडेंट है हमारा, हमारी फैमिली के 4 लोग जो है ना दम तोड़ गए एक्सीडेंट में, जिप एक्सीडेंट हुआ था 2014 के रमजान में और हमारे 4 फैमिली के मेंबर जो मौके पर जहाँ बाक हो गए थे। अभी हमें प्रोजेक्ट मिला है 1 करोड़ समथिंग उसकी अमाउंट है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है इंतहाई नाकस हुआ है, वो बहुत सुस्त नवीस हो रहा है और आगे से वो लोग डाल रहे हैं, पीछे सारी खत्म हो गई है। 1 करोड़ रुपये का ठेका मिला है, उसने नाकर में मटीरियल इस्तेमाल करके पूरी रोड का सत्यानाश कर दिया। जो पहले जीपें जा रही थी आज वो भी नहीं जा रही हैं। हमारे मरीज़ जो है वो नीचे से ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल रोड है, आपने देखी होगी शहर। तो हमारा महकमा शहरा से ये मुतालबा है कि फिल फोर की दिया जाए ताकि हमारे रोड का काम अच्छी तरह से हो सके। और महकमा शहरात से मुलाकात करके सड़क की नागुफ्ता बेहालत से आगाह किया और मुतालबा किया कि मारिया रोड को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इत्तेजाजी मुजाहरे में अशरफ मलक, सफदर मलक, इसरार कमर, वकास अहमद, कदीर अहमद, नसार नवाबी के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की।